एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जैसा कि आप लोग रेगुलर व्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं अपनी बुआ के घर आई हूँ। एक्चुअली पटना में मेरा एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के लिए ही मैं आई हूँ। अभी सुबह सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम मतलब मैं और मेरे भैया, मेरे बुआ के बेटा, हम दोनों भाई बहन निकल चुके हैं घर से एग्ज़ाम के सेंटर पर जाने के लिए। एग्ज़ाम जो है पटना में है, राजेंद्र नगर में। तो हम लोग अभी वहीं पर जा रहे हैं। लगभग आधा एक घंटा पहले ही हम लोग निकल चुके हैं घर से और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। एक्चुअली एग्ज़ाम जो है 9 बजे है, लेकिन हम लोग 8:30 में यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये हैं मेरे भैया जो अभी पीछे से स्माइल दे रहे हैं और मैं और भैया दोनों लोग आ चुके हैं एग्ज़ाम के सेंटर पे। भैया मुझे यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि उनको भी अपना काम है। भैया मुझे बस छोड़ने के लिए ही आए हुए हैं यहाँ पे। और पटना के बारे में भैया को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि ये पूरा पटना में इधर उधर मतलब इनका काम रहता है ना, तो इधर उधर घूमते हैं तो इनको सब कुछ पता है। तो अभी मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं, बहुत भीड़ है। और ये जो एग्ज़ाम का सेंटर है ये राजेंद्र नगर में है, तो इधर ही हम लोग आए हुए हैं। बुआ का घर दानापुर में है, तो दानापुर से राजेंद्र नगर भैया छोड़ने आए थे। और अब मैं मिलूँगी आप लोग को शाम को। तो ये देखिए अभी शाम के 5 बज गए हैं। सुबह से मतलब 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो बीच में फिर इंटरवल था और उसके बाद फिर 5 बजे तक एग्ज़ाम था। तो भैया आ गए हैं मुझे लेने के लिए 5 बजे शाम को और अब हम लोग वापस यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं घर। मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम फिर मोबाइल जमा हो जाता है, मैंने मोबाइल जमा कर दिया था और अलाउ नहीं होता है वीडियो वगैरह बनाना, इसीलिए। तो बस मैं आई थी उस टाइम थोड़ा सा शूट करी और उसके बाद अभी जा रही हूँ तो शूट कर रही हूँ। यहीं पर मेरा सेंटर पड़ा हुआ था, यही वाला बिल्डिंग में जो अभी आप लोग देख रहे हैं। तो बस अब एग्ज़ाम हो चुका है और देख सकते हैं आप लोग शाम के टाइम एग्ज़ाम देने के बाद कितना भीड़, कितना जाम हो गया था रोड पे। तो अभी हम लोग बस यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे घर और हो सकता है कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगी अपने घर जाने के लिए। तो एग्ज़ाम था इसी वजह से मैं आई हुई थी, आप लोगों को पता ही है। देखिए एग्ज़ाम कहाँ पड़ा हुआ था, मैं बता रही हूँ आप लोग को, सैंडल गार्डन, यहाँ पे राजेंद्र नगर में ही है ये, कुम्हरार, पटना कुम्हरार में। जो लोग इधर के होंगे शायद उन लोग को पता होगा। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बिहार के ही हैं, पटना तरफ के भी हैं, तो उन लोग को पता होगा शायद ये जगह। मुझे तो नहीं पता था, पहली बार मैं आई हूँ। तो अभी भैया के साथ मैं वापस से निकल चुकी हूँ घर जाने के लिए। भैया मुझे छोड़ने भी आए थे और लेने भी आए थे, दोनों टाइम बहुत मतलब अच्छे हैं भैया, बहुत मानते हैं और एकदम जिम्मेदारी से मतलब ले कर आना फिर ले कर जाना। शाम का टाइम है और देख सकते हैं आप लोग अंधेरा होने लगा है, रोड पर लाइट जल गया है और ये वाला रोड देख रही हूँ ना मैं तो मुझे लखनऊ की याद आ रही है क्योंकि लखनऊ में भी ऐसे ही रोड होते हैं। वैसे पटना में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत मतलब अच्छा खासा रोड है, अच्छा खासा बिल्डिंग भी है, इधर अच्छा लग रहा है देखने में, घूमने में। तो शाम के टाइम मैं भैया के साथ बाइक पर मतलब जा रही हूँ ना, तो ठंडी तो करी ही है लेकिन फिर भी बहुत ही मज़ा आ रहा है, हवा मतलब चेहरे पर लग रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। शाम के टाइम रोड का व्यू देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। हमारा पटना भी लखनऊ से कम नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है, व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है और मतलब एक अच्छा सा फील आ रहा है कि हाँ मैं बिहार में हूँ, मैं बिहारी हूँ और मतलब मुझे इस बात का प्राउड है कि हाँ मैं बिहारी हूँ, गर्व से मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं बिहारी हूँ। अभी हम लोग यहाँ से बस निकल रहे हैं, जाएँगे थोड़ी देर में घर पहुँच जाएँगे हम लोग। और सुबह के 9 बजे से 5 बजे तक बीच में इंटरवल था 2 घंटे का, तो फिर मैं बैठी थी उस टाइम लेकिन मैंने कुछ खाया पिया नहीं क्योंकि मतलब कुछ था ही नहीं जिधर मेरा सेंटर पड़ा था। तो अभी भैया मुझे लेके आ गए हैं होटल पे। ये देखिए यहाँ पे भैया बैठे हुए हैं, ज़बरदस्ती का भैया मुझे लेके आया। मैंने कहा नहीं मैं घर चल के खाऊंगी लेकिन भैया बोला नहीं कुछ खा लो। यहाँ पर हम लोग मेन्यू देख रहे हैं कि क्या खाएँगे। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और देख सकते हैं होटल के लाइट से कैसा आ रहा है ना वीडियो, अजीब सा दिख रहा है एकदम लाइट वाला पूरा रंग बिरंगा। ये आ चुका है मेरा खाना, मैं खा रही हूँ पनीर, पनीर की सब्ज़ी, बटर पनीर और ये तंदूरी रोटी। तो मैं अभी यही खा रही हूँ, भैया ही ऑर्डर किए हैं। खाना खाने के बाद हम लोग घर चलेंगे और बस मतलब खाने का मेरा मन नहीं था लेकिन भैया ज़बरदस्ती बोले तो मैं खा ली। अभी हम लोग घर आ चुके हैं, भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं और बस थोड़ा सा मैं ऐसे ही बाबू के साथ खेल रही थी। यहाँ मेरी छोटी सी भतीजी है, ये छोटी सी भतीजी, इसी के साथ। इसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि कल मैं चली जाऊँगी अपने घर, काम हो ही चुका है अब। हाय गाइस, करो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बंदर लड़की हूँ, दिन भर हमसे काम करवाता है लोग। अभी तक मैं ब्रश भी नहीं की हूँ, सुबह से काम कर रही हूँ, मैं बंदर की तरह की हूँ। बबी बोल दा, बहुत काम करवाता है लोग हमसे, अभी तक मैं ब्रश भी नहीं की हूँ, 11 बज गया है। बोल दो।
बोल दो बोल दो। मैं अपनी मम्मी की एकदम कॉपी लगती हूँ देखने में, लगती हूँ ना एकदम मम्मी की कॉपी ना, उसकी मम्मी और ये एकदम मतलब कार्बन कॉपी। बोलो क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? एक बबी नाम नहीं क्या पता, हमारा नहीं पता। बबी का नाम है आराध्या। हेलो आराध्या, हेलो आराध्या। और तुम्हारा, तुम्हारा क्या नाम है? रिया। ये रिया है, ये शादी में गई थी हम लोग के यहाँ, वो भी गई थी लेकिन उसका नाम हमको नहीं पता, इसका तो पता था, तुम्हारा तो पता था हमको। ये 20 में 18 नंबर लाई है, बहुत पढ़ने में तेज लड़की है ये, और काम भी करती है, इतनी छोटी है ना, अच्छी लड़की है। हाँ ओवर टैलेंटेड है। कौन क्लास में बबी, कौन क्लास में? थर्ड में। वाह कहाँ पर है जालू जी वे? तो तू अपन घर है तो भैया आइल बोलू तो पढ़ाई छूटा थोड़ी ना। अभी हम लोग आए हुए हैं अपनी छोटी बुआ के घर मिलने के लिए। ये तो मेरी बेटी है, इससे तो आप लोग मिले हैं, और इधर भी एक बेटी है, ये देखिए ये भी मेरी बेटी है। कौन हो तुम मेरी बताओ, बताओ कौन हो मेरी, बोलो कि बेटी है तुम्हारे और क्या? हाँ और हम कौन है? मौसी। हाँ ये मेरी दीदी की बेटी है, क्या नाम है? जिया, रिया, रिया ना। हाँ और उधर भी मेरी एक बेटी है जो भी पागल की तरह घूम रही है। ओए आराध्या आओ आओ आओ, बुआ के पास आओ, आओ बुआ के पास आओ। सुबह से बेचारी काम कर रही, थक गई है एकदम। ये देखिए ये भी मेरी, ये मेरी भतीजी है आराध्या, बेचारी काम करते करते थक गई है, थक गई हो ना काम करते करते, अभी तक ब्रश लेके घूम रही है, इसको ब्रश करने का भी टाइम नहीं मिला है, अकेले काम करते करते बेचारी थक गई। और हम लोग अभी एकदम नहा धो के टन चुका है। बबी बोला हाय, हाय बोला छोटी बच्ची करती है। हाँ इसीलिए अभी तक बेचारी को ब्रश करने का भी मौका नहीं मिला। आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस पर कितना प्रेशर है काम का, बेचारी को 12 बज जाते हैं ब्रश करते करते, है ना। देखो मैं अभी ब्रश कर रही है, मंजर नहीं है ऐसे ही कर लेती है। तो गाइस जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं ट्रेन चल रही है, अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पे क्योंकि मुझे जाना है अपने घर में, और चंदन हम दोनों भाई बहन आए हुए हैं बुआ के घर, तो अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं। वैसे अभी हम लोग स्टेशन पे आए हैं, और सबसे बुरी बात ये है ना कि जैसे ही हम लोग सीढ़ी पे उतरे, ब्रिज से होकर सीढ़ी से होकर हम लोग जैसे ही स्टेशन पे आए ना, ट्रेन खुल चुकी, तो हम लोग का ट्रेन छूट गया। बहुत अफसोस, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रही थी हम लोग को। मैं यहाँ पे अभी स्टेशन पे बैठी हुई हूँ मुंह बना के। एक्चुअली जब आप आते हो और एक मिनट के लिए ट्रेन छूट जाती है ना, तो कितना बुरा लगता है ये आप लोग समझ सकते हो। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि एक मिनट के लिए, मात्र एक मिनट के लिए ट्रेन छूटी हो, तो कितना बुरा लग रहा होगा। एक्चुअली बुआ के घर निकलने में ही मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, और फिर स्टेशन आते आते जैसे ही हम लोग स्टेशन पर पहुँचे वैसे ही ट्रेन खुल गई, तो मतलब एकदम से रोना आ रहा था। लेकिन फिर मैं सोची कि कोई फ़ायदा नहीं है, बस ऐसे ही बैठ के थोड़ा सा घूमो फिरो आराम करो, और अगली जो ट्रेन है ना वो 3 घंटे बाद है, तो 3 घंटे हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा स्टेशन पे बैठ के। बट कोई बात नहीं, होता है ना कि मतलब लेट हो गया थोड़ा सा तो ट्रेन छूट गई, तो थोड़ा बस एक मिनट के लिए हम लोग का ट्रेन छूटा। बस अब क्या कर सकते हैं, 3 घंटे बैठ के इंतज़ार करना है। और हम लोग लोकल ट्रेन से ही जाने वाले हैं क्योंकि दानापुर से हम लोग लोकल ट्रेन पकड़ेंगे, और उसके बाद कुल्हाड़िया जाएंगे। कुल्हाड़िया आप लोग आई होप देखे होंगे, जब मैं आ रही थी अपने घर से बुआ के घर, तो कुल्हाड़िया स्टेशन से हम लोग दानापुर आए थे, और अभी हम लोग दानापुर से वापस कुल्हाड़िया स्टेशन जाएंगे। तो हमारा जो कुल्हाड़िया स्टेशन पड़ता है ना, वहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती हैं, सिर्फ लोकल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन ही रुकती हैं, तो इसी वजह से हम लोग को पैसेंजर ट्रेन ही पकड़ना पड़ेगा। तो पैसेंजर ट्रेन जो है, एक तो अभी खुल गई 1 मिनट के लिए बस,
एक मिनट हम लोग लेट हो गए और उसके वजह से ट्रेन खुल गई। जैसे ही हम लोग स्टेशन पे आए ट्रेन खुल चुकी और अब जो ट्रेन है अगली ट्रेन जो है वो 3 घंटे बाद है। तो अभी हम लोग 3 घंटे बस किसी तरह ऐसे ही टाइम पास करेंगे दोनों भाई बहन बैठ के और उसके बाद जाएंगे। ये देखिए हमारा तिरंगा झंडा कितना अच्छा लग रहा है ना। तो मैं बस बैठ के इधर उधर ऐसे कुछ कुछ देख रही थी। तिरंगा झंडा हमारा हर स्टेशन पे आजकल रहता है तो बहुत अच्छा लगता है देख के। बहुत मतलब एक प्राउड फील होता है कि हम लोग इंडियन हैं और ये हमारा तिरंगा है। बहुत अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे चंदन बैठा हुआ है। चंदन को भी मन नहीं लग रहा है, मेरा भी मन नहीं लग रहा है। हम दोनों भाई बहन बैठ के बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं और कुछ कुछ खरीद के खा पी रहे हैं अपना। यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग हैं। पता है पहले जब मैं आती थी ना स्टेशन बहुत भीड़ रहता था, लेकिन अब उतना भीड़ नहीं रह रहा। पता नहीं शायद कोविड की वजह से या पता नहीं क्या। हम दोनों भाई बहन आपस में बात करके और थोड़ा सा इधर उधर घूम घाम के अपना ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। ट्रेन छूट जाने के बाद तो गुस्सा भी बहुत आता है, बुरा भी बहुत लगता है, रोना भी आता है, लेकिन फिर हम लोग दोनों भाई बहन सोचे कि क्या फ़ायदा है, चलो जाने दो, ऐसे ही घूम घाम के थोड़ा थोड़ा टाइम पास किया जाए। मैं बुआ के घर बस एग्ज़ाम देने के लिए ही गई थी। वैसे जाना होता नहीं है, बहुत कम ही होता है, शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए ही आई थी। तो फाइनली हमारा 3 घंटा कट चुका है और हमारी ट्रेन आ चुकी है। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं चंदन आगे आगे चल रहा है ट्रेन पकड़ने के लिए। अब हम लोग ट्रेन में बैठ जाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे घर। मैं बैठ चुकी हूँ अभी ट्रेन में और दानापुर से हमारा जो कुल्हरिया स्टेशन है जहाँ पर हम लोग को उतरना है 40 मिनट लगता है। 40 मिनट में हम लोग उतर जाएंगे अपने स्टेशन पे और उसके बाद चले जाएंगे घर। मतलब 3 घंटा बैठ के इंतज़ार करना, एकदम बोर हो गई मैं, लेकिन फाइनली ट्रेन आ गई ना तो एक अच्छा सा फील हुआ, सुकून लगा। और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं कोइलवर। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स कोइलवर के भी हैं, तो जो लोग कोइलवर से मुझे देख रहे हैं आप लोग देख लो, मैं आपके यहाँ से गुजर रही हूँ। आई होप कि मैं सबसे मिल पाती अपने सब्सक्राइबर से। आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर किसी को मिलना हो और पॉसिबल हो सकता है तो मैं ज़रूर मिलने की कोशिश करूँगी। ये है हमारा सोन नद जो कि आप लोग देखे होंगे छठ पूजा के व्लॉग में। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि रविना तुम कोइलवर से हो क्या, लेकिन मैं कोइलवर से नहीं हूँ, पास के ही गाँव से हूँ लेकिन कोइलवर से नहीं हूँ। बस ट्रेन में बैठे बैठे मतलब जा रही हूँ मैं, कोइलवर के बाद तुरंत ही कुल्हरिया स्टेशन आ जाता है, मतलब 5 मिनट के बाद ही। तो फाइनली 40 मिनट हम लोग बैठे हैं ट्रेन में। पता है मुझे लॉन्ग मतलब लंबा रास्ता अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी इतना भी लंबा नहीं जैसे कि बिहार से लखनऊ जाना होता है, उतना भी लंबा नहीं। अब हम लोग पहुँच जाएंगे। तो फाइनली अभी हम लोग घर आ चुके हैं और आते के साथ ही चंदन का लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है चांदनी के साथ। यहाँ पर चंदन, चांदनी और अंकित दोनों तीनों भाई बहन आपस में खेल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये लोग ऐसे ही करते हैं और चंदन का मन नहीं लगता है, चांदनी का भी मन नहीं लगता है। जब ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं ना, इन दोनों का बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, क्योंकि दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं ना। तो जैसे ही ये घर आया इसका शुरू हो गया लड़ाई झगड़ा। यहाँ देख सकते हैं तीनों हंसी मजाक कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे ही ये लोग बदमाशी करते रहते हैं दिन भर, इसीलिए इन लोग का मन भी नहीं लगता है। और अभी मैं ड्रेस चेंज करके और उसके बाद दादी को तेल मालिश कर रही हूँ। दादी का तबीयत थोड़ा ख़राब ही रहता है तो इस वजह से दादी को चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। तो जिसको भी टाइम मिलता है ना वो दादी को तेल मालिश कर देता है। तो मैं घर आई हूँ तो मैं सोची कि चलो आज मैं ही तेल मालिश कर देती हूँ। और दादी इंतज़ार भी कर रही थी मेरा कि जल्दी से आ जाए। तो फाइनली एग्ज़ाम हो गया, सब कुछ अच्छे से हुआ। अब रिजल्ट देखिए आएगा तो पता नहीं, भगवान जाने। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत। अपना